दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे सपने इतने छोटे क्यों होते हैं? 6 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब हम अपने सपनों को रिकॉल करते हैं तो महज चंद लम्हे ही याद रहते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं जेई की परीक्षा की तैयारी कर रहा होता था तो मुझे बस इतना याद रहता था कि मैं कोई पेपर लिख रहा हूँ या मैं किसी ट्रेन के आगे भाग रहा हूँ, और उसके आगे कुछ याद ही नहीं रहता था। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें अपने सपनों के बस चंद लम्हे ही क्यों याद रह जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण समझने के लिए पहले हमें अपना स्लीप साइकिल समझना होगा। हमारा स्लीप साइकिल 4 स्टेजेस का होता है। पहला स्टेज, जिसे हम लाइट स्लीप स्टेज भी कहते हैं, जो हमारे सोने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। यह स्टेज सिर्फ 5% ऑफ आवर टोटल स्लीप टाइम होता है। इस स्टेज में नींद खुलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा स्टेज होता है डीपर स्लीप का, जो लगभग 50% ऑफ आवर स्लीप टाइम होता है। जी हां, ये स्टेज लगभग आधे से ज्यादा टाइम का होता है। तीसरा स्टेज होता है स्लो वेव स्लीप का। यह डीपेस्ट स्लीप स्टेज भी होता है। यह लगभग 25% ऑफ आवर स्लीप टाइम होता है। मतलब कि अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो सिर्फ 2 घंटे की ही डीपेस्ट स्लीप मिलती है आपको। चौथा और आखिरी स्टेज होता है REM स्टेज। REM जिसका फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। यही स्टेज होता है जहां आप सपने देखते हो। जब आप किसी सोए हुए इंसान को इस स्टेज में देखोगे तो आपको उसकी आंखें आईलिड के भीतर मूव करती हुई नजर आएंगी। यही कारण है कि हम इसे रैपिड आई मूवमेंट स्टेज भी कहते हैं। यह स्टेज हमारे स्लीप साइकिल का लगभग 20% पार्ट होता है। जब आप सोते हो तो आप पहले एंटर करते हो स्टेज 1 में, फिर एंटर करते हो स्टेज 2 में, फिर 3 में, और फिर अल्टीमेटली पहुंच जाते हो स्टेज नंबर 4, जिसको हम लोग REM स्टेज कहते हैं, जहां पे आप अपने सपने को देखते हो। यह पूरा साइकिल लगभग 90 मिनट का होता है। जी हाँ, सिर्फ 1.5 घंटे का यह पूरा साइकिल होता है। मतलब कि 90 मिनट में आप स्टेज 1 से स्टेज 4 तक पहुंच जाते हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप सोने गए तो पहला 5 मिनट आप बिताते हो स्टेज 1 में, जिसको हम लोग लाइट स्लीप साइकिल कहते हैं। फिर दूसरा 45 मिनट आप बिताते हो स्टेज 2 में, जिसको हम लोग डीपर स्लीप कहते हैं। फिर आप बिताते हो लगभग 20-25 मिनट डीपेस्ट स्लीप फेज में, जिसको स्टेज 3 भी कहते हैं। और आखिरी के 15 मिनट आप बिताते हो REM स्टेज में, जिसको हम लोग रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहते हैं, जहां आप अपने सपनों को देखते हो। तो आप बस 90 मिनट में 15 मिनट ही सपने देखते हो। तो 6 से 8 घंटे की नींद में हम 4 से 6 साइकिल ऐसे पूरे करते हैं। अब दोस्तों, आता है हमारा सवाल कि सपने इतने छोटे क्यों होते हैं? REM का स्टेज तो हमारी साइकिल का 20% हिस्सा होता है ना। मतलब कि अगर हम 6 से 8 घंटे सोते हैं तो हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे सपने तो देखने ही चाहिए। अरे, आजकल इतनी बड़ी तो मूवीज भी नहीं होती। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ 5-10 मिनट का ही कंटेंट याद रह जाता है? दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि पहले साइकिल के REM में देखा गया सपना हम दूसरे साइकिल में भूल जाते हैं। नॉरेपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो कि हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। यह हार्मोन हमें इवेंट्स को याद रखने में मदद करता है। यह हार्मोन सपने देखने के वक्त नहीं निकलता, जिसके कारण हमें 99% ऑफ द ड्रीम्स याद नहीं रहते, और जो याद भी रह जाते हैं वो अक्सर लास्ट साइकिल के ड्रीम्स होते हैं, जिसके बाद या तो हम उठ जाते हैं या अलार्म्स के द्वारा जबरदस्ती उठा दिए जाते हैं। मतलब ये दोस्तों कि आपको आपके लास्ट स्लीप साइकिल के REM में, जो कि सिर्फ 10-15 मिनट का ही होता है, उसमें देखा गया सपना ही थोड़ा बहुत याद रह जाता है, बाकी हम सब भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।